नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आशीष मौर्य गुड्डू पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यह है टाटा विंगर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको इसके पिछले ब्रेक ड्रम को बदलकर दिखाने वाला हूं और ब्रेक शू को भी बदलना है और ग्रीसिंग भी करेंगे। दोस्तों, इसका जो पिछला ब्रेक ड्रम है वह क्रेक हो गया है और छोटी वाली बेयरिंग के कॉलर में प्ले आ गया है, इस वजह से ड्रम को बदलना है। दोस्तों, मैंने इसके पिछले चक्के के हब का ग्रीसिंग और ब्रेक शू चेंज का पहले भी वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको उस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो इस वीडियो में आप पूरा देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले चक्के को खोलकर बाहर निकाल लेते हैं। दोस्तों, इसके बीच वाले स्पंडल चक्रण को खोलने के लिए 36 mm का गोटी लगता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ऐसे हम चकनट को खोल लेंगे। तो ये चकनट बहुत ही आसानी से खुल जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ हमने चक्के को बाहर निकाल लिया है और चकनट और प्लेन वाशर को भी हमने निकाल लिया है। दोस्तों, इसको निकालने के लिए हमने एक पुलर रखा हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से ये ड्रम जो है कि क्रेक हो चुका है, जिसके वजह से ड्रम में काफ़ी प्ले बता रहा है। इस प्ले की वजह से ही हम इस ड्रम को नया लगा रहे हैं। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पुलर है, इसके मदद से हम ड्रम को बाहर खींच कर निकाल लेंगे। तो पुलर को यहाँ ऐसे सेट करना है। और इस बीच वाले को टाइट करेंगे। तो दोस्तों, ऐसे क्या है कि हमारा ड्रम बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। इसमें हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा, इस पुलर की मदद से ड्रम बहुत ही आसानी से बाहर आ जाएगा। अब यहाँ सभी नट को खोलकर पुलर हटा लेंगे। और दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, इसके बेयरिंग का ग्रीस भी सूख गया है और इसका ब्रेक शू भी ख़राब है। तो दोस्तों, ब्रेक शू को निकालने के लिए यहाँ पहले इस लॉक को निकालना है ऐसे। और यहाँ नीचे से ब्रेक शू को घसकाएंगे और ये वाला स्प्रिंग निकल जाएगा। अब यहाँ से दूसरे लॉक को निकालेंगे यहाँ ऐसे। ऐसे ब्रेक शू हमारा बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। अब इसके हैंड ब्रेक वायर को भी निकाल देंगे। यहाँ इसको ऐसे निकाल लेना है। दोस्तों, ये है इसका नया ब्रेक शू और नया ब्रेक ड्रम। तो ये आप देख सकते हैं, KVX कंपनी का ये ब्रेक शू है। KVX कंपनी का ये ब्रेक शू है। दोस्तों, इसके MRP 1713 रुपये है। तो ये आप देख सकते हैं, ये नया वाला ब्रेक शू है। दोस्तों, ये चारों ब्रेक शू एक साइज के हैं। और दोस्तों, ये नया वाला ब्रेक ड्रम है। तो ये आप देख सकते हैं, ये टाटा का जेन्युइन पार्ट्स है। ये आप देख सकते हैं, ओरिजिनल ब्रेक ड्रम है ये। ये इसके ऊपर कवर लगा हुआ है। और इधर भी बेयरिंग के कॉलर में एक कवर लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये टाटा का ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट्स है। दोस्तों, यहाँ इसका MRP मिटरा हुआ है। दोस्तों, ये हमें 4638 रुपये का पड़ा हुआ है। और दोस्तों, यहाँ इसका ये पार्ट नंबर लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, इसका यहाँ पार्ट नंबर लिखा हुआ है।
तो दोस्तों अब पुराने वाले ब्रेक ड्रम से बेयरिंग के कॉलर को निकालेंगे और स्टड को निकालेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो स्टड है इसे निकालना होगा और ये बेयरिंग का जो कॉलर है ये यहाँ पर ये ड्रम क्रैक होने की वजह से लूज है, इसे टाइट होना चाहिए। दोस्तों ये आप देख सकते हैं हमने इसमें स्टड लगा लिया है और बेयरिंग के कॉलर को बैठाना है, तो यहाँ पर इसको ऐसे बैठाएंगे। और ये छोटी वाली बेयरिंग है इसको भी बैठा देंगे। और दोस्तों यहाँ हमने प्लेट का सफाई अच्छे से कर लिया है, अब यहाँ हम बेयरिंग में ग्रीस भर रहे हैं, तो अच्छे से ग्रीस भर लेना है। तो ये आप देख सकते हैं ऐसे हम ग्रीस को भर रहे हैं, तो यहाँ हमने ग्रीस अच्छे से भर लिया है। यहाँ ब्रेक ड्रम हब में भी हमने ग्रीस को अच्छे से भर लिया है। अब दोस्तों इसके ब्रेक शू को लगा रहे हैं, तो हमने इसके पुराने वाले ब्रेक शू से हैंड ब्रेक निकाल कर नए वाले में लगा लिया है। अब दोस्तों ये आप देख रहे हैं ऑटोमेटिक एडजस्टर है, यहाँ हमने इसको अच्छे से साफ कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं ये जो छोटा वाला पिन है हमें यहाँ पर ऐसे लगाना है। ये आप देख सकते हैं इसको हमें ऐसे बैठाना है, ये इसको दबाने से नीचे ऊपर होगा और उसके बाद इस एडजस्टर को लगाएंगे यहाँ ऐसे। ये जब नीचे ऊपर होगा तो ऑटोमेटिक एडजस्ट होगा ब्रेक शू। दोस्तों इसके एडजस्टर स्क्रू का जो ये नट है इसे पूरा हम एडजस्टिंग गिरा लेंगे, अब ये ठीक है। अब ब्रेक शू में इस छोटे वाले स्प्रिंग को यहाँ ऐसे फंसाना है, यहाँ ये फंस गया, और इसको हमें ऐसे नीचे रखना है। अब दूसरे वाले ब्रेक शू को ऐसे लगाएंगे। और जो ये छोटा वाला स्प्रिंग है यहाँ ऐसे फंसेगा, यहाँ इसको ऐसे फंसा लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ये छोटा वाला स्प्रिंग फंस गया है, अब बड़े वाले स्प्रिंग को लगाएंगे, यहाँ से ये ऐसे बड़ा वाला स्प्रिंग लगेगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं ये हमारा कंप्लीट हो गया, तो ऐसे हमें इसको लगाना है। ये बड़ा वाला स्प्रिंग या छोटा वाला स्प्रिंग, और इस साइड ये आप देख सकते हैं ये छोटा वाला स्प्रिंग, यहाँ ऐसे इसको सेट करना है। अब इसको हम प्लेट में लगाएंगे, तो यहाँ ऐसे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये लग जाएगा। अब दोस्तों इसके लॉक को लगा देंगे, केवल एक तरफ के लॉक को लगाएंगे। तो उसके बाद इस हैंड ब्रेक केबिल को यहाँ ऐसे फंसा लेना है। ये हमारा हैंड ब्रेक केबिल फंस गया है। अब दोस्तों हम इस नीचे वाले स्प्रिंग को लगाएंगे यहाँ ऐसे।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने अच्छे से इसको बैठा लिया है। अब इस दूसरे वाले लॉक को भी हम लगा देंगे। तो यहाँ हमारा लॉक अच्छे से लग चुका है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ब्रेक शू कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों इसको अच्छे से पेपर से ऐसे मार देंगे। ड्रम को भी अच्छे से साफ कर लेते हैं। अब दोस्तों इस स्लिप को लगाएंगे और यहाँ ये इसको अच्छे से बैठा लेते हैं। और यहाँ बेयरिंग सीम है, इसे भी लगा देंगे। अब इसके बाद हम ड्रम को लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे ड्रम को लगा लेंगे। और इसके छोटे वाले बेयरिंग को लगाएंगे यहाँ ऐसे। अब अच्छे से इसको बैठा देंगे। इसके प्लेट मास्टर को लगाएंगे और चकनट को अच्छे से टाइट कर देंगे। तो दोस्तों ये हमारा ड्रम कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ हमारा ये ब्रेक शू और ब्रेक ड्रम लग चुका है। ये गाड़ी हमारा ओके हो चुका है। दोस्तों ये एक विंगर और आया हुआ है। दोस्तों ये गाड़ी स्पीड नहीं बना पा रही है, भाग नहीं रही है। इंजन रेस बता रहा है और गाड़ी भाग नहीं रही है। तो इसका क्लच प्लेट खोलना है। तो दोस्तों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके क्लच प्लेट को खोल कर दिखाने वाला हूँ, तो आप वीडियो को ज़रूर देखिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।